नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्लूटूथ स्टूडियो। ब्लूटूथ स्टूडियो बनाने में क्या क्या कंपोनेंट हम यूज करेंगे, सबसे पहले हम उसे दिखाते हैं। तो ये दो स्पीकर हैं, 2.5 इंच का है, ब्रांड है स्वेटन। देखिए स्वेटन ब्रांड का है और 4 ओम 20 वाट का है। ठीक है, दोनों सेम है। ये हो गया। नेक्स्ट, दो बेस रेडिएटर है, ये हो गया। 4 2200 mAh का बैटरी, 18650 2200 mAh ईच है। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर, अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम रख सकेंगे, अदरवाइज फुल में ही चलेगा इसको अगर नहीं यूज करेंगे तो। इसे लगाना हमको उचित लगा। एक स्विच ऑन ऑफ करने के लिए और बीटी मॉड्यूल, सबका इमेज हम इंस्टा पे डाल देंगे, इंस्टा पे जाकर के देख लीजिएगा। पैम 8610 12 वोल्ट से जो चलता है, तो इसको 12 वोल्ट देना होगा। 12 वोल्ट देने के लिए हम यूज करेंगे बक कन्वर्टर 6009 गोल्ड 6009। तो ये हो गया मेन कंपोनेंट, और इसी को हम पूरा अटैच कर करके एक स्टूडियो ब्लूटूथ बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए इनक्लोजर भी चाहिए, बॉक्स भी चाहिए, तो उसको भी हमने कटिंग वटिंग करके रखा है, उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है रेडिएटर के लिए, दो दोनों साइड रेडिएटर लगाएंगे, और फ्रंट में 2 2.5 इंच का स्पीकर। ठीक है, तो ये कटिंग हमने कर लिया है। अगर इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको चाहिए होगा तो हमसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम इंस्टा पे इसका भी इमेज वगैरह डाल देंगे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा बनाते टाइम में तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम हेल्प करेंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे, आप भी खुद से कर पाएं। हम इस तरीके से बताएंगे कि आप खुद से कर सकेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रंट हो गया और साइड में रेडिएटर, इस साइड में दूसरा रेडिएटर और टॉप अरे बॉटम। ठीक है, एकदम अच्छा वाला फिनिशिंग हमने देने की कोशिश किया है। अब बैक साइड दिखाते हैं, ये देखिए। ठीक है, एक बार कनेक्शन दिखा देते हैं। ये सब पैरेलल में है चारों, 2200 mAh, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था बैटरी, उसे भी हमने अटैच कर लिया है। ठीक है, सारा पैरेलल में है और इन सबों का कनेक्शन यहाँ पे देखिए, ये पावर बैंक का मॉड्यूल है, यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, इससे चार्जिंग हम देंगे सभी बैटरी को। और यहाँ से देखिए प्लस हमने ले लिया है पैरेलल से, और एक ये माइनस बक कन्वर्टर में, ये बक कन्वर्टर में जा रहा है, और बक कन्वर्टर कन्वर्ट करके यहाँ पे पैम 8610 में, और बक कन्वर्टर से डायरेक्ट हमने ब्लूटूथ में अटैच कर दिया है 3.7 वोल्ट। ये देखिए दो ब्लैक कलर का वायर है ना, इसी के थ्रू हमने अटैच किया है, और वॉल्यूम कंट्रोल हमने लगाया है। ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे है, एकदम पूरा अच्छा से फिनिशिंग दिया है हमने, कोशिश किया है अच्छा से फिनिशिंग देने का। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, बताते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, वो आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम ही बताएंगे। ओके, तो कनेक्शन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे एक स्विच लगाया हमने। ओके, तो इतना ही कनेक्शन है, दो स्पीकर का आउटपुट, एक ये और ये दूसरा ये, और यहाँ पे इनपुट है, तो वॉल्यूम कंट्रोल लगाया है, तो यहाँ से इनपुट ले लिया है और इसका आउटपुट यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस, ये देखिए कॉमन में रहता है माइनस इस साइड, मिडिल में एम्पलीफायर वाला, यहाँ यानी कि जहाँ पे आउटपुट देना है, और लेफ्ट साइड में सबसे उस साइड वाला में जहाँ से इनपुट लेना है उसको कनेक्ट करना है। ओके,
और ये अपना बक कन्वर्टर है, इसको हमने 12 पॉइंट समथिंग पे सेट करके रखा है। ठीक है, स्विच हो गया, ओके। अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद इसका प्रॉब्लम दिखाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जाइएगा नहीं तो घबरा जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत लफड़ा हो गया है, और ये आपके साथ ना हो इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। देखिए, यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन हो गया है। अभी देखिए, वॉल्यूम ऑफ किए हुए थे, देखिए एक बार दोबारा हम करके दिखाते हैं तो साउंड करेगा। ऑफ हो गया, देखिए ऑन करते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। अब हम NCS वाला सॉन्ग चलाएंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम चलाते हैं सॉन्ग और आप सुनिएगा इसका। क्लिपिंग मार रहा है, चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं इसका मेन जो प्रॉब्लम, उस पर आते हैं। एक सेकंड, मोबाइल हटा देते हैं। तो दोस्तों, ये अब देखिए, बताते हैं इसका प्रॉब्लम। जब हमने फर्स्ट बार इसको ऑन किया और चला करके देखा, तो उस समय हम कैपेसिटर नहीं लगाए थे। ठीक है, नॉर्मली चला रहे थे, एकदम मिनिमम 20% भी वॉल्यूम नहीं हो पा रहा था कि क्लिपिंग मारना शुरू। यहाँ से हमने वोल्टेज 12.5 कुछ करके रखा है, तो क्लिपिंग मारना शुरू जब कर दिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पे कैपेसिटर अटैच किया। ठीक है, तीन कैपेसिटर अटैच किया हमने पैरेलल में, 2200 UF 25 वोल्ट का। ठीक है, तो यानी हो गया 2442 4600 UF 25 वोल्ट हो गया, तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। ठीक है, अब क्या है, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, 20 से 25% जाते के साथ ही क्लिपिंग मारना शुरू कर दे रहा है। जबकि देख सकते हैं आप, चार बैटरी यहाँ पे, ये भी मान चले कि 50% अच्छा है, ये कवर कर रहा है। ओके, 2000 इधर, इधर 2200 2200 44 है ये, 44 8800 और 2000। ओके, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लिपिंग मार रहा है। इसके पीछे रीजन है ये बक कन्वर्टर का, ये एम्पियर यहाँ से नहीं ले रहा है। हम प्रैक्टिकली चेक करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए, अब हम फिर से सॉन्ग प्ले करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो आउटपुट देखा आपने, ये बक का इनपुट देखिए, अब माइनस। देखिए, ठीक है, तो चलिए गाना बंद कर लेते हैं, अब बंद कर लेते हैं गाना ना। ठीक है, अभी देखिए, अब क्या है, इशू मिल रहा है, बक कन्वर्टर जो इनपुट मिल रहा है वो स्टेबल है, 4 वोल्टेज एकदम स्टेबल है, कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन आउटपुट में देख रहे कितना फ्लक्चुएट है, जैसे ही बेस गिर रहा है 12 से 9 पे आ जा रहा है, 10 पे आ जा रहा है, तो ये चलने वाला नहीं है, सब फालतू चीज़ है। ठीक है, और बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो पता नहीं क्या वो लोग बनाया है। ठीक है, लेकिन हम तो बनाए तो हमें ये लगा कि ये चलने वाला नहीं है, ये नॉर्मली कोई भी छोटा मोटा एप्लीकेशन पर चलेगा, लेकिन ये 8610 पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, हम बहुत तरह से ट्राई करके देख लिए हैं, ओके, ऐसे नहीं हम बना रहे हैं। ठीक है, सब चीज़ ट्राई करके देखें, उसके बाद बता रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, तो ये प्रोजेक्ट फेलुअर है, अब बेकार हो गया है, इसको हम एसी से बनाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं तो नहीं चलाएंगे, बट ये बेकार है, या तो फिर 8403 लगा लेंगे इसके जगह पर,
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना बैटरी उसके लिए बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा उसके लिए है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मतलब नहीं है बनाने का, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा हमारी बात तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। इसके बारे में कोई भी जानकारी हो हमसे बेफिक्र होकर पूछिए, हम पूरी सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।